अच्छा मैं जैसे मेरा कोई इजम तो नहीं है मैं एग्नोस्टिक हूँ जैसे मुझे या आप एथिस्ट अच्छा। भी बोल सकते हैं तो जो और, आप बोलेंगे हम वही कहेंगे ठीक है मैं एग्नोस्टिक अच्छा। तो मेरा तो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है मतलब बहुत ही बेसिक है कि जैसे कुरान हो या कोई हो गीता हो या कुछ भी हो उसमें तो गॉड का रिफरेंस तो होता है जो भगवान का रिफरेंस होता है तो मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है कि भगवान ने क्या क्यों मतलब क्यों तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है और मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगी जा हिंदुजम हो इस्लाम हो तो बस मैं जानना मतलब चाहता हूं कि हाँ बोलिए भाई जरूर जाना चाहें लेकिन वो क्या जानना चाहते हैं ये भी तो बता दीजिए ना कि भगवान ने ऐसा जैसे... किया क्यों ऐसा किया क्यों हाँ किस चीज की कि बात जैसे पूरा मानिए ऐसा यूनिवर्स ही बनाया क्यों जैसे इंसान को ही अच्छा। क्यों बनाया क्या जरूरत थी भगवान को ठीक या फिर अल्लाह जो भी आप लोग मानते हैं इतनी सी बात बस मेरा ये बेसिक क्वेश्चन है बस राइट right. क्यों क्वेश्चन है आपका ये बस, <laughs> बस बेसिक क्वेश्चन जैसे एक हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए कारण तो होता है उसके पीछे जैसे भगवान जैसे गॉड का डेफिनेशन वो हमारे पास पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है ये बताने के लिए कि उसके पीछे कारण क्या है रीजन क्या है लेकिन आपसे मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि आप कौन हैं और जो आप हमें बताएंगे हम आपको उसी तरह ही एड्रेस करेंगे तो आपने कहा एग्नोस्टिक आपके एग्नोस्टिसम को मैं सामने रखते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह सवाल क्यों है आपका बस मैं जानना चाहता हूं और अगर आपको वाकई एग्नोस्टिक अगर आप वाकई हैं ना एग्नोस्टिक शायद मेरे ऑडियंस को यह शायद ये सवाल मेरा समझ ना आ रहा है कि मैं इतना बेसिक सवाल क्यों पूछ रहा हूं लेकिन आप एग्नोस्टिक है ना आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं अगर आपको वाकई पता है कि एग्नोस्टिक कौन होता है हाँ, तो मुझे पता है क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं चीजें जैसे कोई लॉजिकल एग्नोस्टिक logical... हैं आप क्यों जानना चाहते हैं दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग दिस एग्नोस्टिक मतलब मेरा कोई अह मैं कन्फर्मिस्ट नहीं होगा यही चीज है और या कोई दूसरा चीज है और कंफर्मेशन के लिए कोई क्या-क्या

बिल्कुल ओ, नहीं अच्छा अच्छा तो अच्छा नहीं अच्छा, नहीं। अच्छा हाँ, सही 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 मैं समझ मैं समझ गया सॉरी आपकी बात सौरभ भाई घोषा ना कीजिएगा माफी चाहता हूँ उसको इम्पोस्टर कहते हैं कि जो होता नहीं है वो वो दिखाने की कोशिश करता है मैंने इसीलिए रुक रुख के ठहर ठहर के आपसे पूछा है की एग्नोस्टिक आप अगर हैं तो आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं गिवन द फैक्ट के एग्नोस्टिक्स कंक्लूसिव हैं अपने इस आर्ग्यूमेंट में कि नॉलेज ऑफ और नॉलेज अबाउट गॉड और दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज अनोअबल ये आप जान ही नहीं सकते हैं द फैक्ट कि आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए एज एग्नोस्टिक कि आप जान ही नहीं सकते हैं तो मैं आपको कुछ भी जवाब दे दूँ ना आपको वो एक्सेप्ट करना होगा एज एन आंसर नोट के आप उसको राइट आंसर एक्सेप्ट करें बट द फैक्ट कि आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते हैं तो आपके लिए हर चीज वैलिड है फिर ठीक है अगर मैं आपसे कहूं खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि वो अपनी डिशें हमसे साफ कराना चाहता है दैट शुड बी अ वैलिड आंसर सो फार एज यूर कंसर्न बिकॉज इट इज अनवेबल ठीक मैं अगर आपसे कहूं कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत करने के लिए बनाया है यू हैव टू एक्सेप्ट इट मैं अगर आपसे कहूं कि खुदा ने हमें बनाया है इसलिए कि कायनात बहुत बड़ी है उसको चाहिए थे लोग जो उसकी जाके सफाई करें तो हम सफाई के लिए पैदा किए गए हैं चांद सितारों दारों पर जाकर ब्रश करने के लिए झाड़ू फेरने के लिए यू यूर हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज सो फार एज यू आर कंसर्न दिस होल थिंग इज अन मैं आपके लिए यह कर सकता हूं कि आपको दोबारा मौका दे दूं कि आप अपने आप को एग्नोस्टिक के अलावा कुछ और कहें श्योर

नहीं नहीं देखें इसलिए मैं देखें आपके आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बात को कम से कम एंटरटेन कर रहे हैं वैसे तो वहाँ पे वर्सेस वाले बैठे हुए हैं उख्तियार शायद कुछ बिजी हैं वो बिज़ी ना होती तो आपको कब कब बता चुकी होती कि आप गलत जगह पे आए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होते वो यासर नदीम साहब के पास जाया करें सैम के पास जाया करें आमिर हक़ के पास जाया करें यहाँ पे वर्सेज़ होता है आमने सामने राइट

हाँ नहीं तो आप बोल आंसर नहीं नहीं दे दे आप तो? तो फिर जी? कुछ नहीं मैं चला जाता हूँ फिर मैं चला जाऊंगा हाँ जवाब हाँ जवाब अल्लाह ताला ने सब को अपनी इबादत के लिए बनाया है दैट्स आवर आंसर बात खत्म नहीं ये लॉजिकल तो ना आंसर नहीं लग रहा है चलिए आई डोंट केयर इबादत तो की जरूरत है तो अल्लाह जरूरत क्या है इबादत करने की

आप एग्नोस्टिक आप तो है आपके लिए यही आंसर है अल्लाह की मर्जी सेकंड नहीं, दीजिएगा प्लीज ये अनबल है जो चीज अनबल है वो इन लॉजिकल कैसे है आपके लिए अनुबल कहा किसने बताया एग्नोस्टिक्स ने

तीन भगवानों ने यूनिवर्स बनाया है एक का, का काम बनाने का है एक को सस्टेन करने का है और तीसरे का भी कोई काम है ये बेवकूफ वाली बात लगती है आपको हाँ बिल्कुल लगती है ये बे... तो आप क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुज्म है वो ब... वो बेवकूफी है वो हाँ जितना जितना भी रिलीजन कोई भी रिलीजन ठीक अगर वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो बेवकूफी है ओके

मेरे भाई मैं जस्ट टू गिव यू हेड्स अप कि मैं अपनी अब टोन चेंज कर रहा हूँ इज़्ज़त एहतराम से बात हो रही थी बीच में आपने ये बेवकूफ़ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए तो मेरा भी राइट तो बनता है ना कोई इसलिए अब आपसे आपके लेवल पे ही बात होनी चाहिए और वो होगी मुझे आप ये बताइए आप कहते हैं ना ये लॉजिक नहीं है तो आपकी क्या मतलब है इससे आप एबडक्टिव की बात कर रहे हैं इंडक्टिव की बात कर रहे हैं या डिडक्टिव की बात कर रहे हैं बताइएगा फिर आपको उसी तरह में जवाब नहीं जैसे ये किसी भी लॉजिक के अंदर आता है नहीं कि मेरी मर्ज़ी या अल्लाह की मर्जी ये कोई लॉजिकल ही नहीं हुआ किसी के अंडर नहीं आता ये कौन बता? सा नहीं है ऑब्जेक्टिव नहीं है डिडक्टिव नहीं है ये इंडक्टिव नहीं है बताएं देखिए आप लौज... उस पर लॉजिकल डिफिनेशन पे, पे मत जाइए बस सिंपल बताइए कि ये जैसे आपने काम का आप? किया जैसे आप बताऊं आपको जिस आदमी को लॉजिक का पता भी ना होना कि उसकी टाइप्स कितनी हैं और वो दूसरे को कहे कि आप बेवकूफ हैं और वो बगैर अपनी टर्म्स को समझे हुए वो अपने आप को वो डिक्लेयर कर दे आयदर यानी कि उसको एग्नोसिज्म का ना पता हो और वो कहे कि मैं एग्नोस्टिक हूँ जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगे लेकिन लॉजिक की टाइप्स का भी ना पता हो वो बेवकूफ़ नहीं बेवकूफ़ों का सरदार हुआ करता है और यकीन करो मेरे भाई मैं अभी भी इज्जत से बात कर रहा हूँ अगर अभी भी समझ ना आई तो एक दफ़ा फिर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करो हम मुसलमानों के लिए आई एम यू नो वेरी मच मचोर यू दैट यू विल रिग्रेट और पॉसिबली आप दोबारा आएंगे भी नहीं यू स्टिल हैव अ चांस

हाँ एक चीज़ में सौरभ साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो खुद को एथियस बना के आइएगा जो कि आप हैं ये एग्नोस्टिक ह्योस्टिक वाला ड्रामा ये नहीं चलेगा और अगर टर्म्स को आपने डिफ़ाइन ना किया और दूसरे को अगर आपने बेवकूफ कहने की कोशिश की जो आदमी को नहीं मानता ना कि मर्जी और अपनी इबादत के लिए सबको पैदा किया है वो बड़ा इन लॉजिकल आदमी और बड़ा बेवकूफ आदमी है गौन केस करें मुझ पर आप सूमी नहीं ये क्या मतलब ओगी। अच्छा, ओगी। बोड़ी। 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 आ, मुझे जरा एक मौका क्योंकि मैं चाह रहा हूँ देखिये जो मालिक होता है ना उसके पास लॉजिकल लीगल मॉरल ग्राउंड होता है कि वो अपनी मर्जी करे ये याद करेद एक बंदे के पास फोन है वो दाएं हाथ से पकड़े या बाएं हाथ से पकड़े आप उसे नहीं कह सकते ये दाएं से क्यों पकड़ा है बाएं से क्यों नहीं पकड़ा या बाएं से क्यों पकड़ा है दाएं से क्यों नहीं पकड़ा उसके पास लॉजिकल मॉरल लीगल हर किस्म का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी करे जब हम इस खालिक को इस कायनात का मालिक मानते हैं उसके पास ऑटोमेटिकली ये राइट आ जाता है कि वो अपनी मर्जी करे ये एक लॉजिकल बेस है उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेस है हाँ। आमिर भाई देखें फिलॉसफी में ना ये बात मैं बार-बार मैं एक्सप्लेन करता हूं इन लोगों को कि फिलॉसफी में जो ब्रिक बाय ब्रिक होता है ना आप आर्ग्यूमेंट्स का ईंट के साथ ईंट जोड़ के आप जाते हैं हम तो जब वजूद ख़ुदा की बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं कॉज्मोलॉजिकल आर्गू जो आर्गूमेंट है उसकी बात करते हैं तो हम कभी भी खुदा से या अल्लाह ताला की जात से हम शुरू ही नहीं करते हैं हम लॉजिकल क्वेश्चंस पे एक कंस्ट्रक्शन होती है कंस्ट्रक्ट करते हैं आर्गुमेंट को दो ऑप्शन हैं एक डिज़ाइन आर्गूमेंट है और एक एक्सीडेंट प्योर चांस आर्ग्यूमेंट है विच वन सीम्स मोर प्लॉजबल ऑब्वियसली डिज़ाइन अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर है डिजाइनर है तो उसके करैक्टरस्टिक्स क्या होने चाहिए वो बाउंड होना चाहिए या वो बाउंड नहीं होना चाहिए अगर वो नहीं होना चाहिए तो क्या दुनिया के सारे मजहब इस पर इतफाक़ करते हैं आंसर इज़ येस फिर हम कंपेयर करते हैं इस्लाम वर्स बाकी सारे सिस्टम्स के देखें वो जो सब जिस जिसपे एग्री करते हैं क्या वो इस्लाम देता है या इस्लाम के अलावा क्यों और देता है ये होती है संजीदा बहस ये जो इस आदमी के साथ में सिर्फ थोड़ा सा ये जो खेलबाजी चल रही थी वो सिर्फ इसलिए चल रही थी कि ये संजीदा फिलोसॉफिकल आंसर नहीं है ये है कि मैं एग्नोस्टिक हूं इसका सीधा सा मतलब है कि मुझसे कोई बात ना पूछना मैं ये तुमसे क्वेश्चन करके मैं चला जाऊंगा नहीं भाई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन फिलोसॉफिकल टोन होने चाहिए अदरवाइज या सू मी <laughs> That's exactly. all I have to say. Exactly. So, क्या <laughs> no एक thing. सवाल आगे, आगे बढ़ने से पहले ये सवाल है कि ये इग्नोस्टिक आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि इग्नोस्टिक हैं तो आप पहले, नेक्स्ट बने आप, आप ड्रामा करने आए तो उसकी वजह ये है कि ये, बेसिकली ये था एथियस्टी इग्नोस्टिक उन्हें अगर ड्रामा कर रहा था इनसे हम ये सवाल कर सकते हैं कि भाई ये कायनात बनी है ये यूनिवर्स बनी है जी बनी है भाई क्यों बनी है चलो अल्लाह साइड पे कर देना वो क्यों बनी है उसका लॉजिकल आपने रिप्लाई देना है